हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिमरन गार्डनिंग व्लॉग्स। मैं जो बार बार दिखाती रहती हूँ कि मेरे प्लांट्स और मेरा गार्डन ये कंस्ट्रक्शन साइट से खराब हो गया, तो ये देखिए, ये आज मैं बाहर से दिखा रही हूँ कि ये हमारे घर के साथ में ये 4 फ्लोर्स बने और इसकी वजह से मेरे गार्डन में और मेरे प्लांट्स को काफ़ी नुकसान हुआ। तो संडे मॉर्निंग इनका ये काम चल रहा था, इन्होंने जब काम शुरू किया तो फिर वही बाहर के प्लांट्स मेरे गड़बड़ होने लग रहे थे इनके काम से, तो इसीलिए मुझे बाहर आना पड़ा। लेकिन इनके जो ये पत्थर थे, ये जो लगा रहे थे, ये बहुत स्वीट से लग रहे थे, बड़े अच्छे लगे मुझे ये पत्थर। और मेरा गार्डन हेल्प भी आ गया था तो उसने कहा कि इसका हम कुछ अंदर बना सकते हैं। मैंने कहा ऐसे नहीं, हम इनसे पूछेंगे। ये सामने जो चौकीदार बैठा है ऑटो में, तो हमने उससे पूछा और गार्डन हेल्प ने 4-5 पत्थर उठा लिए, तो ये उसने हमें अलाउ कर दिया। क्योंकि हम ऐसे नहीं लेंगे, हाँ प्लांट्स तो हम मैं पार्क में से ले आती हूँ कई बार, माली या वैसे ही कई बार माली भैया के जो एक्स्ट्रा प्लांट होते हैं। तो फिर ये जो है, ये पत्थर हम 6 पत्थर हम उठा के लाए। अब मैंने गार्डन हेल्प को कहा कि जो तुमने करना है, इसका बनाना है, करो। तो उसने ये कहा कि हाँ मैं सोचूंगा। मैंने कहा फिर तू लाया क्यों? तो चलो अब वो ले आया है 6 पत्थर, इसका कुछ ना कुछ तो हम करेंगे, कुछ ना कुछ हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये इस वीडियो में आखिर तक आप प्लीज बने रहना और ये देखना कि मैंने बाहर, मैंने बाउंड्री के बाहर बोगनविला रखे थे, तो इस बार उनके बाहर के काम की वजह से मुझे उन पत्थरों को, इन पत्थरों से अपने प्लांट्स को, अपने बोगनविला को बचाना पड़ा। और ये बहुत ही तकलीफ देह होता है कि जिन प्लांट्स को हम इतने प्यार से पालते हैं और इतना ध्यान रखते हैं, तो ये देखिए, ये फिर अपराजिता में इतने प्यारे फ्लावर्स आए, इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है अपराजिता में कि पूछे ही नहीं। तो मैंने फिर दोबारा इसके फ्लावर्स इकट्ठे करने शुरू किए, क्योंकि डिटॉक्स टी जो होती है ब्लू कलर की, वो मैं खुद भी लेती हूँ और फैमिली को भी देती हूँ। तो ये, और ये ब्लू मेरा पसंदीदा रंग भी है, तो ये ब्लू पर्पल सा है ये कलर। और कोई कलर की अपराजिता के फ्लावर्स डिटॉक्स टी में यूज नहीं करने चाहिए, सिर्फ ब्लू कलर के ही, जो ब्लू पर्पल कलर है इन्हीं के ही यूज करने चाहिए। और इसमें कुछ फलियां भी लगी थी, और ये क्योंकि फलियां काफी सारी थी इसकी, जो जिसमें सीड्स होते हैं अपराजिता के, अब क्योंकि अब ये इसका जाता मौसम है, फ्लावरिंग खूब दे रहा है, लेकिन अब ये जाने वाला है इसका मौसम, तो इसमें इसके प्लांट्स पे सीड्स वाली फलियां लगी थी, तो ये इसकी ग्रोथ को रोकता है, तो इसलिए कुछ सीड्स, जो सीड्स कलेक्ट करने के लिए मैंने ये फलियां भी तोड़ ली और अपने पास रख ली, और ये जब सूख जाएंगी तो मैं अपने फ्रेंड्स को ये दे देती हूँ। तो ये देखिए, तितली भी आ गई है। फिर जब भी हम गार्डन में काम करते हैं तो ये तितली जरूर हमारे पास आती है, तो ये हमारी फ्रेंड बन चुकी है, और ये देखने आती है कि कहीं हम उसके आशियाने को खराब तो नहीं कर रहे। नहीं, हमने कहा नहीं तितली, हम आपके आशियाने को खराब नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से फूल लेकर, ये देखिए, ये कुछ मैंने फूल पिछले सुखाए हुए थे इनको साथ रखा, और ये जब सूख जाते हैं, ये मैं अपने टिश्यू के ऊपर ही ऐसे रख देती हूँ पानी से वॉश करके, तो जब ये सूख जाते हैं तो एक बॉटल में बंद करके रख देती हूँ। तो ये 2-3 दिन के पहले कलेक्ट किए हुए फ्लावर्स हैं अपराजिता के, तो अब ये ऑलमोस्ट सूख चुके हैं और अब मैं इनको बॉटल में बंद करके रखूंगी और अपने डिटॉक्स टी में इसका इस्तेमाल करूंगी। तो प्लांट्स जो हैं, ये खुद भी इतना हेल्पफुल है हमारे लिए, ऑक्सीजन से लेकर, और इनकी लीव, इनकी नीम की पत्तियां, इसकी खाद भी बनती है और इसके इसकी दवा भी बनती है। तो ये सारी चीजें जो है, पत्तियां, फूल और इनके फल, ये सब हमारे कितने काम आते हैं। ये देखिए, लेडी पाम कितना प्यारा हो गया है मेरा, और यहाँ पर ये जो जेड प्लांट है, ये बहुत प्यारा हो गया, इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है। ये छोटे छोटे से मैंने लगाए थे, लेकिन अब इनकी ग्रोथ काफी अच्छी हो गई है, और इनको थोड़ा सा मैंने अंदर से, इसमें सूखे पत्ते थे वो साफ किया, क्योंकि ये जो वॉल पर जहाँ रखे हैं उसकी सफाई भी होनी
बहुत जरूरी है। और ये जगह आप सोचेंगे मैंने क्यों छोड़ी हुई है, ये जगह इसलिए छोड़ी हुई है क्योंकि यहाँ से ये बिल्ली का कैट हमारे पास है, हमारे घर में आती जाती रहती है। ये बनी कितना प्यारा है, इस बनी को भी मैंने जेड प्लांट से सजाया हुआ है। तो ये कैट का रास्ता है, ये बाहर से कूद के आती है और कई बार मेरे छोटे छोटे प्लांटर्स तो उसने गिरा दिए, तो हमने हार कर उसकी जगह छोड़ दी कि वो अपने आप आ जा सके और हमारे प्लांटर्स को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये देखो, ये पोटुला का इतना प्यारा और पर्सलिन मिक्स होके इतना प्यारा इस बार हुआ है, इतनी फ्लावरिंग आई है। और मैंने सब जगह देखा है कि फ्लावरिंग इस बार पोटुला का और पर्सलिन में बहुत ही अच्छी आई है, क्योंकि इनको मन मुताबिक मौसम मिल गया और साथ में बारिशें भी खूब सारी हुई है। ये देखिए, मैं फिर चल पड़ी अपराजिता के प्लांट की और मुझे कुछ फिर दोबारा से फ्लावर्स दिख गए इसमें। तो मैं कोई मौका नहीं छोड़ती हूँ, बाहर भी अगर मैं बाउंड्री वॉल के जाती हूँ अपने घर के, तो वहां भी अगर कुछ मुझे अपराजिता के फ्लावर्स मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो इसको मैं इकट्ठा करती जाती हूँ। तो ये इतना प्यारा मॉनसून का मौसम हमारा इस बार निकला है, सितंबर लास्ट तक, सितंबर मिड तक हमारे पास बारिशें रही हैं। तो पौधों ने भी खूब साथ दिया है। ये देखिए, ये मैंने घिया की बेल लगाई थी, घिया के बीज डाले थे, तो ये बेल काफी अच्छी ऊंची चढ़ गई है और इसको मैं छत तक ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे छत पे पहुंचेगी तो मैं इसको छत पे ही फैलाऊंगी, जिससे कि वहां पर मैं इसका फ्रूट ले सकूँ। तो साथ में आप ये देखिए, मेरे बॉन्साई भी बहुत प्यारे हो रखे हैं और ये इनकी मॉस ग्रास और बॉन्साई बहुत अच्छे हो रखे हैं। और यहाँ थोड़ी सी मुझे, क्योंकि यहाँ भी बिल्ली जो हमारे यहाँ घूमती रहती है, आपने देखा होगा मैंने कैट्स के किटन का, बिल्ली के बच्चों का भी वीडियो शेयर किया था, वो हमारे घर पे ही हुए थे बैकयार्ड में, तो वो यहाँ आके बैठती है। तो फिर मैंने गार्डन हेल्प से कहा कि पहले तो यहाँ नीचे ये थोड़े बहुत इसको हल्का कर दो, पत्ते काट दो, क्योंकि इसकी ग्रोथ हो रही है बेल की, घिया के बेल की, तो ये जो नीचे पीले पत्ते हैं ये इसकी ग्रोथ को रोकेंगे। तो अब ये जो बिल्ली यहाँ बीच में आके बैठ जाती है पौधों के, तो मुझे काफी डर सा लगता है कि कहीं घिया की बेल को नुकसान ना पहुंचाए। तो मैं वैसे तो सारा दिन देखती रहती हूँ, अंदर बाहर होती रहती हूँ। ये देखिए, मेरा बुद्धा कॉर्नर कितना प्यारा है, अभी ये गार्डन हेल्प ने यहाँ रख दिए हैं पत्थर। देखो इसके इसकी क्या क्रिएटिविटी होती है, नहीं तो मैं तो इसका कुछ ना कुछ करूंगी। जब ये हम पूछ के ले भी आए हैं बाहर से, पड़ोसियों से, तो कुछ ना। पर ये देखिए, गुड़हल का पेड़ इन्होंने, पड़ोसियों के कारण जो कंस्ट्रक्शन हुई, ये मेरा गुड़हल का पेड़ बिल्कुल सूख गया, लेकिन मैंने इसके पीछे मनी प्लांट की बेल लगाई हुई है, जिससे कि मैं गुड़हल के पेड़ पे उसको चढ़ाऊंगी और उसको चढ़ा देंगे, बांध देंगे, और जिससे कि गुड़हल का जो ये पुराना जो बेचारा सूख गया है, तो उसको ऊपर से हरियाली ढक जाए। तो ये जो मनी प्लांट है इसकी, ये अब ऊंचे पहुंचने लग गए हैं और मॉस ग्रास से इसको काफी तो मैंने बांध दिए थे सवेरे ही, लेकिन कुछ इसने गार्डन हेल्प ने बांधे। तो ये गार्डन हेल्प बेचारा क्या करे, गांव चला गया था, इसने अपने गांव में बोरिंग करानी थी, इसके घर पानी नहीं आ रहा था, तो हफ्ता 10 दिन हो गए लेकिन ये महीना रह गया वहां पर और उसका सारा काम छूट गया। अब ये मेरे पास रेगुलर आने लग गया है, तो मेरी भी हेल्प हो जाती है और इसकी भी हेल्प हो जाती है, तो हम दोनों की हेल्प से हम अपने गार्डन को सजाते और संवारते हैं। तो थोड़ा सा मैं ये पॉट्स ठीक करा रही थी, और ये जो बहुत एक्सट्रीम गर्मियां हुई तो मेरा ये क्रिसमस ट्री भी बिल्कुल ही जल गया था। तो इसको, इसकी जो सूखी टहनियां है, हमने कोशिश करी है कि इसको काट दें, लेकिन फिर भी ये देखिए, ये गुलहड़ की जो मैंने प्रिवेंशन की थी लेमन एंजाइम से, तो अब इसमें फूल आने शुरू हो गए हैं। इसकी भी मैंने शॉर्ट वीडियो शेयर करी है जहां पर मैंने लेमन एंजाइम्स बनाए हैं। लेमन एंजाइम्स जो आपके नींबू
बचते हैं। ये देखिए टर्टल वाइन्स मेरी कितनी प्यारी हो गई, ये मैंने अपने फ्रेंड को देने के लिए बनाई है। मैंने कल अपने फ्रेंड के पास जाना है और मैंने उसको ये गिफ्ट देना है, टर्टल वाइन का पॉट। तो मैं जैसे ये बता रही थी कि लेमन एंजाइम, जो नींबू आप घर पे यूज करते हैं उसको जो बचते हैं, और ये वाला जो ये मेरा एरिया है, पोर्शन है, इसको मैंने अब ब्यूटीफाई करना है, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ नहीं लगा। तो और कुछ पॉट्स भी मेरे खाली रखे हैं, तो नर्सरी जाकर मैंने कुछ अपने न्यू प्लांट्स, न्यू एंट्रीज लानी है, न्यू बेबीज लाने हैं, प्लांट बेबीज। तो जैसे मैं आपको ये बता रही थी कि लेमन एंजाइम्स के बारे में, कि जो नींबू के बचे हुए छिलके होते हैं आप उसको फेंकिए नहीं, पानी की जो ये जो कैंपा की बॉटल्स होती हैं छोटी, उसको धोकर, ये देखिए ये पान का पत्ता, ये जो पान का प्लांट है ये कितना प्यारा हो गया। इसके लिए भी मुझे नर्सरी से मॉस स्टिक लानी है, जिसकी कि इसकी बेल बनती है, और ये डंडे से मैंने स्टिक से किया है लेकिन ये नहीं ठीक हो रहा। तो लेमन एंजाइम के बारे में मैं ये बता रही थी कि लेमन जो बचे हुए छिलके होते हैं उसको मैं कैंची से काट कर छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ, और बॉटल, पानी वाली बॉटल में पानी भर कर उसमें रख लेती हूँ, और जितना पुराना हो वो लेमन एंजाइम उतना ही अच्छा है। वो गुड़हल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गुड़हल क्या, वो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, आप किसी भी प्लांट पे डाल सकते हैं। ये देखिए स्नेक प्लांट कितना प्यारा हो गया है, सिर्फ एक छोटा सा प्लांट मैंने लगाया था और एक के तीन चार बन गए हैं। और ये अब इसको मैं, जो दूसरे प्लांट्स हैं इसको मैं अलग करूंगी और दूसरे उसमें लगाऊंगी, क्योंकि अब इसमें जगह भी नहीं बची है। तो भीड़ भड़क्का टाइप लगता है इसमें कि हाँ इनको भी खुली जगह चाहिए। तो ये देखिए ये क्रिसमस ट्री मेरा बिल्कुल खराब हो चुका है, तो मैंने गार्डन हेल्प को कहा इसको निकाल देते हैं और इसको छोटा छोटा करके इसकी डंडियां सुखा लेंगे, और पर उसने कहा नहीं अभी रहने दो, अभी ये ठीक चल रहा है। तो उसका कहा मानकर मैंने रहने दिया, लेकिन कुछ डालियां कटी हुई हैं, कुछ उसका प्रोपोर्शन नहीं हो रहा। ये देखिए ये मैंने आपको ये छोटा सा दिखाना, या नींबू के बीज जो मेरे पास निकले थे लेमन एंजाइम जब मैंने बनाया, तो कुछ बीज यहाँ डाल दिए थे, तो उसमें से एक बीज ये पनप गया है और छोटा सा नींबू का पौधा निकला है। तो आप ये देखिए कि कुदरत हमें किस प्रकार से हेल्प करती है, किस तरह हेल्प करती है, अगर हम प्यार करते हैं, उनको सहेज के रखते हैं। तो देखिए ये एक छोटा सा नींबू भी सीड डालते ही, नींबू का ये छोटा सा प्लांट निकल आया। तो अब ये देखिए, अब देखते हैं मैं कैसे इसको ब्यूटीफाई करती हूँ। तो अब बाहर ले चलती हूँ आपको, बाहर बाउंड्री के बाहर ये मैंने सारे अपने बोगनविला के प्लांट्स रखे हुए हैं, और एक बोगन ये देखिए छोटा सा मेरा जैपनीज साइकस पाम है, इसकी भी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। ये बहुत ही अच्छा चल पड़ा है, इसको जब मदर प्लांट से अलग किया था तो उस टाइम काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, मेहनत करनी पड़ी थी हमें। और ये देखिए नीचे ये अमरूद के पेड़, छोटा सा पेड़ जो अपने आप ही निकल आया था, इसके भी पत्ते आने शुरू हो गए हैं। तो आज इसकी बाहर की भी हमने डीप क्लीनिंग करी, क्योंकि जो साथ में काम हो रहा था उन्होंने यहाँ पर अपना मलबा डालना शुरू कर दिया। तो मैंने उनको बड़ी रिक्वेस्ट की और कहा कि ये मेरे पौधे फिर खराब हो जाएंगे, अंदर के तो आपने खराब किए ही हैं, तो प्लीज आप यहाँ मलबा मत डालिए, क्योंकि ये जगह खाली देखते उनको ये लगता है कि नहीं हम यहाँ ये जगह यूटिलाइज कर लें। लेकिन मैं बाहर ही खड़ी रही, तो संडे मॉर्निंग मेरा बाहर ही बीता और 1.5 घंटे लग गए मुझे बाहर का यहाँ पर क्लीन कराने के लिए। तो और यहाँ ये जो एक सीढ़ी है, ये आपने मेरा वीडियो देखा होगा, जब मैंने करेले लगाए थे तो इन सीढ़ी पर बड़ी प्यारी बेल लग गई थी और करेले भी अच्छे आए थे। तो ये सीढ़ी मैंने यूज करी यहाँ पर लगाने के लिए, क्योंकि ये जब भी कोई काम करते थे, पड़ोस में कंस्ट्रक्शन होती थी, तो ये सारा कुछ इधर आ जाता था, हमारे इधर मेरे प्लांट्स की तरफ आ जाता था। तो वो प्लांट्स काफी मेरे बोगनविला भी खराब हुए, लेकिन अब मैंने इनको सीढ़ी को यहाँ रख के इस जगह को यूटिलाइज किया, और इनको भी रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेरे प्लांट्स को पर पानी, पर मिट्टी या रेत मत डालो, या सीमेंट मत डालना। तो उन्होंने ये कहा माना, और मैंने उनका बहुत थैंक यू किया। ये यहाँ कारीगर लगे हुए हैं, इनको भी मैं बार बार रिक्वेस्ट करती गई, और लेकिन पर मुझे बाहर ही खड़े रहना पड़ा। तो थोड़े से ये मेरे पास ये थे, तो इसको मैंने यही कहा अपने गार्डन हेल्प को कि इसको इकट्ठा कर ले,
जब हम क्लीन कर रहे हैं तो पूरी तरह से हम क्लीन करेंगे। तो क्योंकि मुझे सफाई का ये है कि साफ सफाई जब हम कर रहे हैं तो तरीके से हम साफ सफाई करें। और यहाँ क्योंकि ये हमारा मीटर भी लगा हुआ है और सारा कुछ यहाँ पर इसी कॉर्नर में हो जाता है, तो ये थोड़ा सा मैंने पार्टीशन करके अपने प्लांट्स को, बॉगन मिला के प्लांट्स और पॉट्स को बचाया कि इन लोगों का जो पड़ोसी कंस्ट्रक्शन साइट कोविड से टाइम से चल रही है और बहुत ही परेशान किया इन्होंने मुझे, मेरे प्लांट्स भी बेचारे बहुत परेशान हुए। तो अब जाकर इनको, बोगनविला को थोड़ी शांति मिली कि बोगनविला के प्लांट्स बड़े शौक में आ गए थे पहले, लेकिन अब मानसून जब अच्छी बारिशें हुई तब ये बहुत ही खुशी से झूमे और इन्होंने मेरा साथ दिया, बोगनविला ने भी, और अच्छी हेल्थ इनकी हो गई। तो इस तरह से आपने ये देखा कि मेरी संडे मॉर्निंग इन्हीं के साथ गई। और ये जब हम मेहनत करते हैं तो उस मेहनत का परिणाम हमें मिलता है। मुझे सिर्फ अंदर ही सफाई नहीं चाहिए गार्डन में, मैं बाहर भी बहुत केयर करती हूँ। जो मैंने प्लांट्स बाहर रखे हुए हैं उन प्लांट्स की भी केयर करती हूँ, क्योंकि इन प्लांट्स को हम बहुत सहेज के रखते हैं। तो ये जो मेरे प्लांट्स हैं बोगनविला के, ये काफी पुराने हैं, कम से कम 10-10 साल पुराने हैं ये सारे। तो इनको बहुत ही प्यार से रखती हूँ, सॉफ्ट प्रूनिंग करी है अभी मैंने इसकी, क्योंकि ये डालियाँ काफी बड़ी बड़ी हो गई थी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आखिर तक मेरे साथ बने रहे। और यहाँ पर देखिए मैंने घास काटी थी, कटवाई थी, और यहाँ पर कोई भी मिट्टी बचती है तो मैं इस खाली पॉट में डाल देती हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। और बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी सभी चैनल्स को सपोर्ट करती हूँ जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं। तो आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए, और मैं अब लाइव स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरे लाइव को भी आप प्लीज सपोर्ट करें। तो बहुत बहुत थैंक यू, आप मेरे साथ लास्ट में बने रहे और इसका मैं बहुत आभार मानती हूँ। थैंक